कोविड 19 की बढ़ती वैश्विक महामारी से अन्य प्रदेशों से गोरखपुर पहुंचे लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने साउथ क्षेत्र के 5 गांवों को सील करते हुए उन्हें हॉटस्पॉट घोषित कर दिया और मरीजों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की तलाश तेज कर दी है। साथ ही इन गाँवों में सैनिटाइज कराया गया और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी निगरानी तेज कर दी है। आपको बता दें, साउथ क्षेत्र के थाना गोला उर्वा खजनी में एक एक थाना बासगांव क्षेत्र में 2 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, जिसमें साउथ क्षेत्र में कुल 5 हॉटस्पॉट बनाए गए। वहीं मरीज मिलने से 5 परिवार के साथ गांव में रहने के चलते हजारों लोगों की जान संकट में आ गई है। वहीं संबंधित एसडीएम की देखरेख में ग्राम प्रधान के माध्यम से गांव के लोगों में खाद्यान्न सहित अन्य जरूरी सामग्री पहुँचाई जा रही है। इस संबंध में SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि साउथ क्षेत्र में कुल 10 थाने हैं, जिनमें 4 थाना अंतर्गत हॉटस्पॉट बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से अपने गांव पहुंचे श्रमिकों को होम क्वारंटाइन और प्राथमिक विद्यालयों में क्वारंटाइन रहने के लिए रखा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ये आप जानते हैं कि ये साउथ क्षेत्र में जो 10 थाने हैं, इसमें वर्तमान में बेलघाट में एक हॉटस्पॉट है, थाना गोला में एक हॉटस्पॉट है, थाना बांसगांव में 2 हॉटस्पॉट है और खजनी में एक हॉटस्पॉट है। इस तरह से 5 जगह पे कोरोना पॉजिटिव जो है पेशेंट पाए गए हैं, जिनके कारण वहाँ पे हॉटस्पॉट बनाया गया है। और हॉटस्पॉट में जो होता है कि वहाँ के जो उनके कांटेक्ट डिटेल्स हैं, उसके अनुसार उनको क्वारंटाइन कराया जाता है, उनको भी चेक किया जाता है, पूरे गाँव को सील किया जाता है, वहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई हैं चारों, और किसी के आवागमन पे वहाँ पे रोक है। केवल मेडिकल टीम और सैनिटाइजिंग के लिए जो टीम है वो वहाँ जाती है गांव में, वो सैनिटाइजिंग करती है, मेडिकल टीम चेक करती है। सर, वो खाने पीने की चीज़ें किस तरह से उपलब्ध होता है? खाने पीने का चीज़ प्रधान के माध्यम से वहाँ पर उपलब्ध होता है, हर गाँव में जो रिक्वायरमेंट्स है वो खाने पीने के माध्यम से SDM संबंधित SDM उनको अनुमन्य करते हैं, उसके हिसाब से वो होता है।